Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए. अर्चना जी. हाँ जी. बड़ी प्यारी लग रही हैं आप. तू कितना फिट लग रहा हूँ. फिट लग रहा हूँ. अभी तो दो दिन मेरा उल्टा सुल्टा खाना हो गया. आई वाज इन कोलंबो, यू नो. कोलंबो, आई नो. या ऑलवेज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर. ओ यस. अच्छा, दुनिया में अर्चना जी आपको पता, अगर बच्चे को कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो है उसकी माँ. और कोई बच्चे को अच्छे से समझा सकता है तो वो है उसका बाप. और उसी बाप को कोई अच्छे से समझा सकता है तो वो है वापिस उस बच्चे की माँ. तो दुनिया का साइकिल देखो आप कैसा है. अच्छा, पहले के टाइम पे बाप तो बच्चे की पिटाई कर ही देते थे. हाँ. टीचर भी पीट जाते थे. हाँ. है ना, मैथ नहीं आई थप्पड़, इंग्लिश नहीं आया थप्पड़. कभी कभी तो टीचर की मेड नहीं आती थी घर पे, उसके गुस्से में बच्चे को थप्पड़. बच्चे भी खा लेते थे चुपचाप. हाँ. पूछते भी नहीं थे. उनको था कोई बात नहीं, इसके बदले मैं आगे जाके शरारत कर दूंगा. हाँ. फिर वो ऐसी जगह चिंगम चिपकाते थे ना, सारा दिन टीचर यूं ही करता रहता था. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. आजकल टीचर जो है समझदार हो गए, लेकिन बच्चे आज भी उतने शरारती हैं. आजकल के बच्चे आप देखो इंटरनेशनल स्कूल्स में तो आजकल हर चीज अलाउड है. बच्चे चाहे जैसा भी हेयर स्टाइल रखे, यहाँ के स्टाइलिंग, लंबे बाल. हमारे टाइम पे तो इतने इतने बाल करने पड़ते थे ताकि टीचर के हाथ में ना आए. नहीं तो मुट्ठी भर के बाल पकड़ता था. संजय दत्त बनेगा तुम, लंबे लंबे बाल रखे. पता नहीं फिल्म के हीरो को लेकर उनको इतनी चिड़ क्यों मचती थी. लंबे बाल रखे तो संजय दत्त बनेगा. हालांकि वही टीचर अगर स्कूल में संजय दत्त का डुप्लीकेट आता था ना, तो बच्चों के ऊपर से टापता हुआ जाता था फोटो खिंचवाने. आप देखो आज के दौर में जो बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनके लिए अलग से रूम बनवाते हैं. उसका थीम रखा जाता है, जंगल थीम, एक्वा थीम. हमारे टाइम पे तो एक ही कमरे में घुस के माँ बाप के बीच में सोते थे हम लोग. आजकल तो कमरे में मछलियां बनी होती, डॉल्फिन बनी होती है. उस समय बच्चा सोया माँ बाप के बीच में, इधर पलटी मारता था तो माँ उसे मछली दिखती थी, इधर पलटता था तो बाप उसे मगरमच्छ दिखता था. हालांकि बच्चा जब गहरी नींद में सो जाता था फिर वो मगरमच्छ मछली को खाने आता था. तो मतलब आप देखो बचपन जितना मासूम होता है, बच्चों के सवाल जो होते हैं उतने मासूम होते हैं. गेस्ट के आगे एकदम से पूछ लेते हैं, मम्मी आपकी शादी में मैं कहाँ था. तो माँ बाप झेप जाते हैं, बेटे आप अंदर जाके चॉकलेट खाओ. और कई बच्चे इतने शाणे होते हैं वो समझ जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछते हो फिर चॉकलेट मिलती है. जानबूझ के मेहमान के आगे पूछेंगे, पापा आपके हनीमून पे मैं कहाँ था. बाप और बढ़ गया, तू मेरे दिमाग में था, चल भाग चॉकलेट खा अंदर जाके. अच्छा आप कुछ भी कह लो, बच्चों पे प्यार बड़ा आता है. वैसे क्यूट से होते हैं. दिनेश का 2 साल का बेटा ना, तोतली जबान में ना दो का पहाड़ा सुनाना था. दो एकम दो, दो दुई चार. इसकी पड़ोसन आई, कहती हाउ क्यूट. उठा के ना उसको किस कर लिया. ये पीछे खड़ा कहता था मेरे को 10 का पहाड़ा आता है. वो भी साफ जबान में सुनाऊं कहता. फिर इसकी बीवी ने इसका पहाड़ा मरोड़ा. जोक्स अबाउट, बच्चे के सबसे नजदीक माँ होती है. तभी आप देख लो बच्चे को हल्की सी चोट भी लग जाए ना, उसके मुंह से सबसे पहला शब्द माँ निकलता है, बाप नहीं निकलता. हालांकि बाप भी आएगा. हाँ. लेकिन बाप चोट बाद में देखेगा, पहले 2 थप्पड़ कॉम्प्लीमेंट्री मारेगा और कर शरारत. माँ ऐसा नहीं करती, माँ के अंदर ममता इतनी होती है. और मैं आज बच्चे और माँ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ और बेटे के रिश्ते पे बड़ी खूबसूरत और प्यारी फिल्म आ रही है, सलाम बैंकी. और आज हमारे बीच इसकी स्टार कास्ट और डायरेक्टर मौजूद हैं. तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं उनको जिनके चेहरे पे हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच. आप आती ना, हमारा दिल करता रहता आपको देखते रहे, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहे, इतनी प्यारी लगती हैं. शो नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं. आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे. नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते हो. हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन. आपको पता पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अच्छा. प्लीज दिखाई जरा. मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था. क्या? मैं सत्संग कर रहा था.
सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सलाम बैंकी के लिए, बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर है। Thank और you, माँ बेटे की बड़ी खूबसूरत कहानी है, और स्पेशली जब आप भी माँ बाप बन जाते हो तब आप और रिलेट करते हो उन चीजों से, और बड़ा ही मजा आया मैम देख के ट्रेलर। बहुत बहुत मुबारक आपको। वैसे काजल मैम आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं, आपकी वजह से आपको पता है साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जनरली सूरत में आप चले जाओ 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी, ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है। फिर उसको लगता है काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब, तो जब वो पहन के आई कहता काजल ही अच्छी लगती है, तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल। अच्छा दिलवाले दुनिया ले जाएंगे एक बात, हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है, और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो जाने दो, ये पांडे का भी ऐसा हुआ, पर ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है फिल्म सलाम बैंकी में काजल जी के बेटे का किरदार निभा रहे एक्टर और फिल्म की डायरेक्टर साहिबा को यहाँ पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल जेठवा। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है रेवती जी, विशाल आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। और हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत आप जितनी कमाल की एक्टर हैं खुद और इतनी ही कमाल की आप डायरेक्टर भी हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। हाँ। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट, ये सोच के तो आपने छोटे कराए कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा। Exactly, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना। हाँ। नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आप पे। आपको पता हमारा जब सीजन नया नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए, तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है, बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। एक साल हो गया गई नहीं पार्लर ये। अच्छा खुद के लिए तो पार्लर जाती है, तो परमीत सर को पता क्या बोलती है, माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना। और वो कटवा भी लेते बेचारे, बड़े प्यारे इंसान है, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ही उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती है। आप जैसा कि जानती हैं कि काजल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश है, आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था, ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते हैं बोलता है कि यू नो यू आर गोना क्राई इन दिस फिल्म ना, सो आई सेड Yeah. I'm going to be crying in the film. थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, mom. So I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का reaction था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिन में, क्या था ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा anyways. अच्छा हमने एक या दो साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था
और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस देखना तेरा भी छुटकू साया, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना, जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो गया, एक साल में बड़ा हो गया। हाँ, एक ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल, और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इसे कॉम्प्लीमेंट हो, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था। सलाम वेंकी में अभी ये काजल जी के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत खुली है हमारे शो पे है। सॉरी ब्रो, आई मीन हम लोग सेल्फ प्रमोशन में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं करेक्ट है, मैं अपनी फर्स्ट फिल्म की जब शूट कंप्लीट कर चुका था, तब वेंकी के बारे में, जब मेरी शूट कंप्लीट हो गई थी तब भी सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई तू ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट तू कपिल में जा रहा है, तो कपिल में जाने के बाद ही आप स्टार बनते हो। एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे जाना था कपिल शो में। बट अभी आप अब ज्यादा हो गई, ये कुछ ज्यादा। अच्छा, ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैम, आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है? आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। वो क्यों हंसने लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, आई नो यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर वर्क। वेरी सीरियस पर्सन, ऑफ कोर्स, वेरी सीरियस, ओनली व्हेन द कैमरा स्टार्ट्स। मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका को किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ, ये तो है। हाँ, आपकी अटकी है? मैं अक्सर ही अटक जाती पता है, और फिर और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह रितु मैम, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी अच्छी डायरेक्टर भी हैं, अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हूँ, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी DDLJ कोई भी? देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली DDLJ लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया था। तो जब मर्जी देख लो, उतने मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं उनके साथ फिल्म करूंगा? नहीं, कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। देख रहे हैं हमको कितना खुशी हो रहा है आज। हेलो, ये देखिए हम मिठाई भी लाए हैं, जलेबी है, अर्चना जी एकदम फ्रेश फ्रेश कढ़ाई से निकाल रहे थे, गरम गरम पैक करा के ले आए, लेकिन ये आज जो लिए जलेबी है और कोई नहीं खाएगा। शर्मा जी, ये जलेबी सिर्फ और सिर्फ आप खाएंगे बस। किस खुशी में? नहीं, खुशी में नहीं, हम बस चाहते हैं थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बिजी रहे। थोड़ा हमको बात करने का मौका दीजिएगा, थोड़ा खाइए, मजा आएगा आपको। नमस्ते काजोल जी। नमस्ते रेवती जी। विशाल जेठवा जी, पायला गुड़िया। विशाल कितना छोटा है तुमसे गुड़िया? नहीं, छोटे तो हाँ, लेकिन जेठ है ना। तो देखिए इतना कम उम्र में जेठवा हो गए हमें, देखिए 35 रनिंग चल रहा है हमारा, अभी तक दुल्हनवा नहीं बन पाया। अरे जिस तरह टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, हमें लग रहा है कि जेठवा और दुल्हनवा एक साथ ही ना बन जाए।
मजाक कर रहा है। इतना भारी बोझ आपके कंधे पे नहीं डालेंगे। टेंशन हो गया इनको पूरा। मजाक किया है। हमें पता है यू वेरी यंग एंड डायनेमिक। देखो वैसे क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां। आप सभी को हमारी तरफ से सलाम वेंकी। वेंकी मीट दैत्यों की फ्रेंकी। 450 रुपया किलो का खरीदे हैं ये, खा लो ना यार। जस्ट कीप योर सेल्फ लिटिल ऑक्यूपाइड टूडे। एनीवेज हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, आप इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। आज हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हम जहाँ कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, अपने मेहनत की खाते हैं। आए आए। और ये अपने आप आ जाती है, हम इसको कभी नहीं बुलाते हैं। तो हम आपके लिए नहीं, मेहमानों के लिए आते हैं। और वो तुमको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। हम तो चलेगा, हम कौन सा बुरा मान जाते हैं। बाप रे, बैक टू बैक इतना राइम भी कर दिया हम। इतना शेरो शायरी लाइफ में नहीं किया। हम तो गुड़िया से गुलजार होते जा रहे हैं। पीछे हो जाओ विशाल, अभी ये टेक ऑफ होने वाली है। काजल जी आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ी फैन आपकी नहीं हो सकती। वो तो दिख ही रहा है उनको। वो उनको दिख रहा है, आपको मिठाई का डब्बा नहीं दिख रहा है। लेके आई 15 रुपए की जलेबियां 20 बार सुना चुकी है वो भी मेरे को, पता है इसने चूस चूस के वापिस रखी होगी। शर्मा जी एक बात समझ लीजिए, जब दो हॉट एंड हैपनिंग लड़कियां बात कर रही हैं। अब बीच में नहीं बात करते हैं, जस्ट गेट इट ओके। एनीवे चलेगा, ठीक है। वैसे आपको सच बताया, हमने जब DDL जब देखा था ना, फिल्म देखे थे हम, ओ माय गॉड, आपको आपके पापा जब आपको परमिशन दिए ना कि जा जी ले जिंदगी जी ले, आप वैसे भाग के गए, शाहरुख खान जैसे हाथ दे रहे थे आपको, और फिर आप भाग रहे हैं, फिर शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं, आप भाग रहे, शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं। फिर जो ऐसा हाथ पकड़ के ट्रेन में आप आए, हम जितनी बार भी वो देखते हैं, हमारा विश होता है, हम सोचते हैं कि काश वहां पर आपकी जगह हम होते। तू होती तो शाहरुख खान को भी गिरा देती, ट्रेन भी पलटा देती तू। अपने आप को सिमरन समझती हो। शर्मा जी यहाँ पे आप ये फल रखते हैं, रखे हैं आपने, वहाँ ड्राई फ्रूट रखे हैं, थोड़ा सा इनके साथ वो भी रखिए। क्या? मौन व्रत। नहीं सच में ट्राई करके देखिए, ऐसे चुप रहिए, शांत रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सीखना है ना, इनके हस्बैंड अजय देवगन जी से सीखिए। हाँ। क्या? कितना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तभी तो दृश्यम 2 में भी पकड़े नहीं गए वो। सच बता रहे, आप जैसे बात नहीं होते ना, तो दृश्यम 1 में ही अरेस्ट के अंडर आ गए होते। रेवती जी हम आपके बहुत फाइन रहे हैं, और कहीं से हमने ये सुना, पता नहीं, आप बताइए आपका असली नाम आशा है ना? जी। देखिए हम रिसर्च किए थे, आप इत्तफाक का बात देखिए, हमारे मम्मी पापा भी डिसाइड किए थे कि घर में बेटी होगी तो नाम आशा रखेंगे। हाँ, लेकिन जब हुई तो फिर निराशा रख दिया उन्होंने। क्योंकि आप एक एनिमेशन फिल्म में गाय को आवाज दी थी ना आपने, पुण्य कोटी। ये है ना, इन्होंने भी एंग्री बर्ड को आवाज दी थी। लेकिन आपको सच बात बताएं, पहले वो बर्ड जो है बहुत खुश थी, इनकी आवाज सुनके एंग्री हुई। इसने भी एक भैंस को आवाज दी थी, वो जा रही थी, गोबर कर रही थी, कहती बहन जी आपका सामान गिर रहा है। पुराना चुटकुला था पर मेरे को बड़ा मजा आया बोल के। ये तो हम भैंसिया से बातें, आप वहां थे क्या? हम सुन रहे थे। अच्छा, चुपचाप सुन रहे थे पीछे खड़े। वहां पे अगर आप खड़े चुपचाप सुन सकते हैं, यहाँ भी सेम कर लो ना यार। वैसे हम बता रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, बहुत जल्द हमें देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अरे सर्कस बैन हो गई कब से। सर्कस में नहीं आ रहे हैं,
हम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाले हैं। ओह वाह। हमारा क्या है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ हम कपड़ा साफ करते हैं, तो उस दिन कपड़ा लेके गए, उनका हमको ब्यूटी देखा, उन्होंने हमारा खूबसूरती देखा, हमारा ऑडिशन लिया उन्होंने। अच्छा, क्या करवाया ऑडिशन में? ऑडिशन में ऊपर ऐसा सब जाला साफ कराया उन्होंने, फिर ऐसा घर का थोड़ा झाड़ू करवा दिया, फिर बर्तन साफ करवाया और थोड़ा ये साफ सफाई कटका वटका करके बोले कि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने फ्री में काम करवा लिया घर का तेरे से? नहीं, तभी मैं बोलूं कि बाद में हमसे ये क्यों पूछ रहे थे कि रोज के ऑडिशन का कितना लोगी। बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है, दुनिया में अजीब अजीब लोग होते हैं विशाल जी। आपको भी एक सलाह देंगे, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत मानिएगा जी। जब भी कोई आपको काम देता है ना, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? यशराज ने इनको काम दिया, ये मर्दानी टूम में उन्हीं की बहुरानी के साथ लड़ाई कर रहा है। हाँ, गलत बात है, नहीं करना चाहिए था लड़ाई। फिर अगर आपको वो बेल्ट से मारती हैं तो हम क्या करें, फिर मारेंगे, फिर सहन करो अभी, होता है। वैसे हमको बहुत बुरा लगा था आपको जब मार रही थी ना। अच्छा, क्या है कि आप भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं। एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है। पर टेंशन नहीं लीजिए, रिश्ते का बात नहीं कर, रिश्ते की कमी नहीं है हमें। मत हिला, मुंह गिर जाएगा तेरा नीचे। अभी एक बहुत बड़ा फिल्म का हीरो। हीरो का रिश्ता आया तुझे? नहीं नहीं, हमें क्यों आएगा। तो उनका कोई रिश्ता नहीं आया, वो तो हमारा फोटो देखते ही हमको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फिर बदला लेने के लिए हमने अपना रिश्ता वो हीरो के ड्राइवर को भेजा। फिर अब आप देखिए, वो ड्राइवर के साथ हमारा शादी हो जाएगा ना, फिर कैसे वो हीरो से हम बदला लेते हैं? कैसे बदला? हीरो को शूटिंग पे जाना होगा, उसको जल्दी होगा जाने का, हम अपने पति का पेट खराब कर देंगे। गाड़ी ऐसा रुक रुक के जाएगा, लेट पहुंचेगा शूटिंग पे, पता चलेगा उसको हमको रिजेक्ट कर रहा है। समझ में नहीं आता, बता रहा है, अपने पति के साथ उसी हीरो का गाड़ी में बैठ के पूरा शहर में घूमेंगे, उसको पप्पियां देते हुए इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर वो जलेगा, उसको पता चलेगा हमें रिजेक्ट कर रहा है। समझता क्या है हमें? एक मिनट, जरा फोन बज रहा है हमारा। अरे हमारे वो आवाज तो आई नहीं। ये कैसी रिंगटोन है? वाइब्रेशन पे है फोन यार, ये क्या बात। देखिए हमारे होने वाले ड्राइवर जी, ड्राइवर ड्राइव्स मी क्रेजी। हेलो, हाँ काजुल जी, नमस्ते कह रहा, नमस्ते नमस्ते कह रही हैं वो। हाँ 13 तारीख का डेट हमको चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो ड्रेस का चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। साथ क्या आप हमसे शादी नहीं कर रहे हैं? ओह, तो डेट का है पूछ रहे हैं हमसे? 13 तारीख, 13 तारीख को किसी और से शादी कर रहे हैं? ओ, और चाहते कि वहां पे हम टेडी बेयर का ड्रेस पहन के बच्चों में टॉफी बांटे। हम आपको ना, अभी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको 4 गालियां SMS कर रहे हैं। क्या बात है? किसी से कह के जोर से पढ़वाइएगा, ठीक है? और एक बात हम कहना भूल ही गए आपको, ए बाप! क्या है, नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे लाइन लगा है लड़कों का। हाँ बिल्कुल, हो जाएगा हमारा शादी, ठीक है, हमको टेंशन नहीं है, जाके थोड़ा रिश्ते का देखते हैं, अभी जाना होगा, ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। सुपर्ब की सुपर्ब। सलाम वेंकी। आज तो स्टेज पर मेरी दो दो फेवरेट हीरोइंस एक साथ। आप गंदी लाइन देख देख के मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं। मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ये विशाल जेठवा। हाँ जी, विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं।
पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे, और क्या मनीष मोत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो? क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम? ये पजामा इसका देख लो, और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजल मैम खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं, दूसरे आदमी थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है, मेरे जो दादाजी थे ना वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करने है यार? मैं पता क्या, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो आप। मैं लाल गमछा लेके घूम रहा हूँ, फिल्म सिटी में सांड घूम रहा है तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने 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 सोचा था कि मैं काजोल, मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। देखो ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है, उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा, इतना कमाल का ट्रेलर है, और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, माइंड ब्लोइंग। इन्होंने भी तेरा काम देखा है सच्ची। हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया इन्होंने। क्यों, टीवी पे देख लेते? नहीं टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चैनल। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार, ये जो आप देख रहे हैं ना जी, ये थिएटर मेरा है। नहीं नहीं यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से, तुझे पता दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए? 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए? क्योंकि वो कहते जब ये पैदा हो सकता तो हमें क्यों रोक रहे हो। आ गए पॉपकॉर्न। मैम मैम अभी अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है, अदरवाइज बचपन में आप ही मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता है डॉक्टर ने जब बच्चा हैंड ओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। यार एक बात बताओ, वो सलाम राजू के लिए आए हैं? सलाम वेंकी के लिए आए हैं? नाड़ा अंदर कर पहले तो। रीति मैम जी, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3-3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, एक एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है पहले बता दे मेरे। सॉरी कि मैं दे देती हूँ। हाँ। मैं दे देती हूँ। हाँ, ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। हाँ, डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या, 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए, मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर, वेरी नाइस पिक्चर जी। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही है। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगे किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि वॉज एट रेड चिलीज फॉर फिल्म, वॉचिंग इट आफ्टर So much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था।
और दिखाइए। रेवती जी, आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी। इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। विशाल ने ये फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हेयर एवरी डे एट 6 PM शार्प, नोट डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया, वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना, अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो, कम ऑन पीपल गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। Do that. Good one. ये सोच रही है इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सुपर पॉसिबल। Oh my God. ये तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी, उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में। उर्दू में काटा। ब्यूटीफुल। और दिखाइए। सो फैब वन। अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। उर्दू में काट लिया। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। I love the wifi वाला। The wifi was fab. Me waking up and aiming for my alarm at 7 AM. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड, लवली। जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, टेकन बाय रवि वर्मन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई, एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो, तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी, विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है।
माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार। देखो आप अमेजिंग। हेलो रेवती मैम, हेलो काजोल मैम, हाय विशाल, हेलो, हाय, हाय हस्बैंड, व्हाट, हाय हस्बैंड, दीदी आप, दीदी एप्रन तो ऐसे पहना जैसे संजीव कपूर की असिस्टेंट है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड है मैम, खाना इतना इससे गंदा कोई बना नहीं सकता। उस दिन मछली बनाने लगी, मछली कहती बहन तेरे हाथ की खाता तो कोई है नहीं, तो मेरी जान क्यों ले रही है तू, कसम से आप इसके हाथ की मछली खा के देखो। प्लीज आप लोग कभी डिनर पे आइए, मैं एक्चुअली में खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। खाना इसने वैसे बोल दिया, पकाती बहुत अच्छा है। अभी आई है ना ये, अभी तो शुरुआत है, दो मिनट और खड़ी रहेगी फिर आप इसका जादू देखना। रेवती मैम ये ना ऐसी बातें बनाता रहता है, मतलब ये आदमी इतना आलसी है आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के 3 महीने तक मेरा घूंघट नहीं उठाया इस आदमी ने। जब आपको ऑलरेडी पता हो अंदर प्रोडक्ट क्या है। मैंने फेरों में ही देख लिया था यही निकलेगी। मैंने उठाया नहीं घूंघट, मैं अपना घूंघट ओढ़ के सो गया। क्यों? Oh my God. तो शादी करोगे तो बीवी निकलेगी ना, बाइक नहीं निकलेगी। बाइक निकल जाती तो अच्छा होता, कहीं मैं स्टेशन पे पार्क करके आ जाता, अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। ये ना पिछले जन्म में पक्का मेरे पैरों के नीचे ना चींटियां आई थी, इसलिए तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। इस हिसाब से तो मेरे पैर के नीचे बत्तख आई होगी, इतना पक 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 करती है मैम, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कमी है मुझ में? अगले साल बताऊंगा। अगले साल क्यों? गिनने में टाइम नहीं जाएगा, ऐसे कैसे बता देंगे। ठीक है जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन कॉलेज में ना मैं भी बहुत क्यूट थी, एकदम काजोल मैम की तरह। मेरी मम्मी बोलती थी अंजलि अंजलि, फिर इनकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। फिर अब बोलती मंजुलिका मंजुलिका। कहां थे? कौन से एंगल से अंजलि लगती हो तुम? कभी राहुल की नजर से देखो, पता चल जाएगा मैं कौन सी एंगल से। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी को। देखिए मैम ये ना ऐसे बस बातें बनाता रहता है, और स्पेशली मेरे घर वालों के बारे में। मैम ये खुद ऐसा मौका देते हैं, पता है हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करके फेंक नहीं देते, इसकी मम्मी उठा के प्रेस करके फिर मेहमानों के आगे रख देती है। हाँ उस दिन एक गेस्ट आए, वो बोलते रहे इसमें तो हल्दी लगी होती है, कहती है इट्स गुड फॉर स्किन। शर्म नहीं आती इनको? ये क्या बोले जा रहे मम्मी पापा, दे वेरी रिस्पेक्टेड, ये कुछ भी बोले। रिस्पेक्टेड नहीं, सस्पेक्टेड है वो। मोहल्ले में 2-3 चोरियां हुई, पुलिस को शक है उनपे। ये देख लीजिए रिस्पेक्टेड मम्मी पापा आए। अरे वाह दामाद जी, हमारा आने से पहले हमारी बात चल रही थी इसका मतलब। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, फूल मतिया, आई लव यू। उम्र नहीं लंबी, जुबान बड़ी लंबी इनकी, मुंह में नोटों की गड्डी रख के ना एटीएम की तरह गिन लेती है। देखो कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। बोलो आगे कुछ बोलो। अरे रुको तो सही, इमेजिन कर रही हूँ कितनी तारीफ कर रहे हैं। मम्मी नोटों की गड्डी। अरे दामाद जी मेरी तारीफ तो करते रही हो, मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूं मैं। नमस्ते काजोल मैम, नमस्कार रेवती मैम, नमस्ते, हाय विशाल, मीट माय हस्बैंड, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई आइडिया है? है है। क्या? लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला। अरे नाम ना लो उसको अम्बकत का, यहाँ तो हमारी मौज आ रही है, मौज ले रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? अच्छा जमाई राजा। हाँ। ये लाइन क्या है आपकी? लाइन इनसे पूछना है। जमाई राजा तुमसे बाद में बात करूंगी। काजोल बिटिया ये बताओ कि जमाई राजा कैसे हैं हमारे? कौन जमाई राजा? कौन जमाई राजा? अपने अजय देवगन, हमारी प्यारी बेटी काजोल के पति। ये आपकी बेटी कहाँ से हो गई?
गई बैकग्राउंड। अरे ये मुंबई महाराष्ट्र से, मैं भी यूपी सहारनपुर से हूँ। तो इसमें सेम क्या है? अरे इसमें सेम ये है कि हम दोनों के ही बैकग्राउंड मैच ना करते हैं। वैसे दामाद जी आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले, अरे सुनो ना, पिछले 6 महीने से हम आपके रूम में रह रहे हैं जी। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मेरे को दूसरा रूम दे तो, ये खर्राटे बहुत लेती है। खर्राटे लेती हूँ? मैं तो मुंह से खर्राटे लेती हूँ, ये कहाँ से खर्राटे लेते बताओ। खर्राटे मम्मी, मम्मी कैसे बातें कर रही हो, कैसे बैठी हो, क्या बोल रही हो तुम? रेवती मैम आपने फिल्म बनाई है सलाम वेंकी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी हमें। हमें लेके भी कोई फिल्म बनाओ। इनको लेके बनाइए आप, ऐसे सलाम वेंकी बनाई ना, इनको लेके बनाइए ढीठ मंकी। ऐसी हरकतें करते हैं ये, बंदरों से केले छीन के पेड़ पे चढ़ जाते हैं ये। बंदा क्या समझाया अभी, क्या वो टैलेंट तो है? और करो ऐसी हरकतें, फिर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती है सबके सामने। अरे तुम तो हमेशा सुनती हो, ये तो हम दोनों आते हैं तो डिवाइड हो जाता है तीनों में। अरे आप कब से खड़े हैं, आप इन पे बैठ क्यों नहीं जाते? इधर बैठिए आप। ये डोंट माइंड देम, ये वो ससुर दामाद का मजाक चलता रहता है। हाँ, ससुर दामाद हमारा ही तो मजाक चलता है यहाँ, हमारी बेटी का मजाक ना चलता यहाँ। मम्मी भूलो मत मेरी ससुराल में खड़ी हो तुम। ससुराल कौन सा ससुराल? हैरी क्यों बता, तेरा हस्बैंड तो तुझे पहचान ना रहा है, कह रही है ससुराल। मम्मी तुम अंदर चलो, बहुत हो गया, तुम बाहर खड़ी रहोगी मेरी बेइज्जती होती रहेगी, तुम अंदर चलो। अरे बेटा हम 6 महीने जेल के अंदर थे तभी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, अब हम बाहर आ गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती होती है। तो मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं कुछ नहीं करती, आप लोग अंदर चलो। हाँ जा रहे हैं। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा जी हम चलते हैं, ये बेटी भी हमारी है। अच्छा जा रहे हैं। आप देखो कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ। क्या फैमिली है आपकी, मुझे तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आइडिया आ रहा है। मुझे इनको बाहर निकालने का कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं, ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम, इट्स अ हॉलिडे, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग प्ले डेट, मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे, अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी, तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा अच्छा हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? उसके उसके कितने मीम्स बनते हैं, मतलब उसके आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ, और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमें भी याद हो गया पता, 2 अक्टूबर को हम पंजिम गए थे, पंजिम गए थे सत्संग सुनने, फिर हमने पाव भाजी खाई, काजोल जो हैं वो काम भी करती हैं, अपने बच्चे को भी संभालती हैं। कईयों को लगता है कि आदमी लोग जो होते हैं दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, कईयों को लगता है कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेडीज जो होती हैं वो मल्टीटास्क कर लेती हैं। आपको क्या लगता है, मजा आएगा अभी, कि आदमी लोग दोनों टास्क करने में अच्छे होते हैं कि औरतें? देखना अभी फूड डलवाऊंगा इनकी फैमिलीज में मैं। जी जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम आरती है और मैं पुणे से हूँ और फिलहाल कनाडा में रह रही हूँ। कनाडा में कहाँ रहती हैं आरती? मैं रहती हूँ नोवा स्कोशिया में। ओह वाओ, शक्तिनगर के पीछे जो
हमें तो ऐसे बता दी ऐसे, हमें सारे कैनेडा का पता है। अच्छा जी, तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली घर के लेडीज ही घर का काम और जॉब मैनेज कर पाती है। अच्छा जी। क्योंकि मैं खुद अकेली रहती हूँ। अच्छा, और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने मम्मी को हर चीज के लिए कॉल करते हैं। अच्छा, मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने परसों ही पूछा, मम्मी आटा कैसे गूंदना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे बता दो। मैंने कहा, अरे रुक, मैं बताती हूँ तुझे कैसे गुनना है, क्यों मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि औरतें ही कर सकती है ये सारा काम। बहुत अच्छी बात बोली आरती, और आप इतना प्यारा बोलती है ना, बचपन में दूरदर्शन पे पोएम्स आती थी ना जो हाय राम फिर शिकारी ने क्या किया, उसके बाद उसने चिड़िया को कैद कर लिया। धन्यवाद आरती, जो जो आटा गूंथने पे आपने अपने विचार पेश किए। आरती, मैं इतनी बार कनाडा में गया हूँ, ये क्रोशिया कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह बताई आपने? नोवा स्कोशिया स्टेट है, और मैं रहती हूँ हैलिफैक्स में। ओ हैलिफैक्स, ये भी हमें नहीं पता चला। मतलब वैनकूवर टोरंटो मेरे को ज्यादा पता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अटलांटिक एरिया में, तीसरी और मुश्किल जगह। चलिए शुक्रिया आरती। थैंक यू। अरे बिंदु जी कैसी हैं आप? बिंदु जी नहीं लग रही, मेरी मॉम है, विशाल की मम्मी है। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कपिल सर, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुबारक हो, आपकी प्रोडक्शन बहुत मजेदार है। थैंक यू, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाइयां जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल, शरद पाठक हियर फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग देखो आपने। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा, तो कौन से भी चीज में सोल्यूशन निकालना ये हमारा मेन काम रहता है जी। मेरा कहना ऐसा है कि औरतें मर्दों को आगे नहीं जाने देती। क्यों? क्यों ऐसे? चावल दाल और सब्जी, हाँ, ये तीनों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ, हाँ। हम चपाती जब बनाते थे, हाँ, तो एशिया अफ्रीका अमेरिका सब हो जाता था। तो हमने क्या किया, हाँ, वो चपाती का डिब्बा था वो, हाँ, उल्टा मारा तो एकदम सीधा बन गया। अच्छा जी। तो बोलते अभी ये तो हो गया, वो झाड़ू पोछा कौन करेगा। अभी हमने वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लाया। अच्छा, तो इनका ना कभी समाधान ही नहीं होता है, हर बात में कुछ ना कुछ निकाल के मर्दों को पीछे ही खींचना। एक पति बेचारा पत्नी के बोझ का मारा। पाठक साहब, आपकी पत्नी भी साथ आई कि भाग के आए आप सिडनी से? अरे मैडम नमस्ते, इनकी इतनी हिम्मत आपके सामने ऐसा बोली जा रही। वो शरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए आप क्या करें, वही तो ट्रिक था हमारा, वो कर, काम करने। आपकी टेक्निक भी सही है कि ये जो मर्जी बोलते रहे, काम करवाते रहो अपना स्मार्ट वर्क। यस, बहुत अच्छा। पाठक जी, अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं वेस्ट करते आप। ओहो, शुक्रिया पाठक साहब, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं। बाकी अब जाके मैडम आपका क्या करेंगे वो आपका आपसे मसला, हमको क्या लेना देना। और कोई हमारे मित्र भाई बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैं अफ्रीका से आया हूँ, मेरा नाम योगेश है। ओह गॉड, क्या बात है, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वाओ। मैं खुद कोलंबो से आया अंकल। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम योगेश वटवाना है। योगेश, आपके साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आ रही है। अच्छा, ये तो कपड़ा सस्ता मिल रहा था दोनों ने? नहीं, ये है ना, इसे बड़ा अच्छा मैचिंग, ये अफ्रीकन ड्रेस है। अफ्रीका में कहाँ रहते हैं आप? मलावी में। मलावी लीलो। ओ, पवन नगर के उस। अच्छा जी, तो क्या आपके विचार? माय मेल इज मोर कन्वीनिएंट देन फीमेल, लाइक फॉर माय, मेरे साइड से मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं सुबह में झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के बाद में ऑफिस जाता हूँ। कभी माँ बने आप? तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, लाइक मैं रिटर्न में आता हूँ तो डिनर भी अंकल के पक्का के रखता हूँ, वीकेंड में झाड़ू पोछा, लाइक वॉशिंग द डिशेज एंड एवरीथिंग आई डू फॉर हर। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। मैडम क्या करती है, जॉब करती है? हाय कपिल सर। हाय। एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ मैं। तो सारा काम तो वो कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ? oh
जीवन का मूल मंत्र यही है, पत्नी जो कहती करते रहो। आप, आपको कौन सा कोई देख रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं कि नहीं? सफाई सफाई करके बाहर आगे स्वेट शर्ट पहन के बैठो आराम से, क्या मजे से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो अर्चना मैम, हेलो काजल मैम, हेलो लिप्टी मैम, हेलो हेलो कपिल सर। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कपूर, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। व्हाट अ इंटरनेशनल एपिसोड। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लगता है कि होम और वर्क में आपके मैं विचार सुनना चाहूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये, ये सीधी दिमाग की पढ़ाई की इन्होंने। सो मुझे लगता है कि होम और वर्क हस्बैंड ज्यादा अच्छा करते हैं वाइफ से। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम डेट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज रोजी फ्लावरी परफेक्ट लाइफ। अच्छा जी। व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद बेबीज हुए, अब मैं कुकिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ कुकिंग में, क्लीनिंग में, डिशेज में, बच्चों के डायपर भी चेंज करता हूँ। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार चाय पीने के बाद मैंने कप सिंक में नहीं रखा, तो बोलती है कि तुम करते क्या हो। आपके दिमाग में आता है इतनी पढ़ाई करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट बना, अभी भी कप सिंक में ना रखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। बहुत सुटो मैडम भी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं? वो डेंटिस्ट हैं सर। आई हैं साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला मुझे फैमिली फंक्शन था, उन्होंने हम वी आर बिग फैन ऑफ काजल मैम एंड शाहरुख सर, उन्होंने बोला जा पुनीत जी ले अपनी जिंदगी। वाओ, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। और सर मेरे जो एक बात बताइए सर, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा कुछ लोगों को? मैंने तेरी पोल कितनी बार खोली है, वीजा तुम्हें नहीं मिला था। आप जो ये मैं कटवा दूंगा एडिट में है? और कुछ मैम इतनी इसलिए नहीं मिल रहा, वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो उनको डर है कि कहीं बाइडेन जी फिसल ना जाए। तो प्रॉब्लम सर बाइडेन के की साइड पर है, मैम तो शी इज गॉर्जियस, शी इज देखा यू नो, ऐसे नहीं बंदा डॉक्टर बना, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वाओ यार, मेरे को एक मिनट बात करा दो भाई साहब से जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। सर आपका स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है मेरे को, क्या हाल है सर, कहाँ से आए सर आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? उल्लासनगर। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ। लड़का कमाता है, मैं अभी फ्री हूँ। लड़का आया है, बहू आई है। अच्छा जी। बीवी आई है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे को स्टाइल आपका बड़ा अच्छा लगा, रुमाल बांधा ना आपने। थैंक यू हाँ, थैंक यू सो। मैं फ्री हूँ। सबसे पहले तो काजल मैम थैंक यू, विशाल रेवती मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं बताना चाहती हूँ कपिल, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है कि मतलब दूसरे दिन मेरे गालों में दर्द शुरू हो जाता है कि मैं क्यों इतना रहती हूँ। और मुझे डर लगने लग जाता है कि ये कुर्सी अगर कोई ले सकता तो यही लगे। अर्चना जी की ईमानदारी के लिए तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।